इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज खत्म होते ही हुआ दूसरे वनडे सीरीज का ऐलान, इन पांच धुरधरों की वापसी संभव। नमस्कार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज समाप्त हो चुकी है। इस सीरीज में मेजबान टीम न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप कर दिया। वनडे सीरीज में शर्मनाक हार के बाद अब टीम इंडिया की अगले वनडे सीरीज का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। भारत को सीरीज के बाद अब न्यूजीलैंड दौरे पर ही दो टेस्ट मैच खेलना है। इसके बाद मार्च में भारत की टीम दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगी, जहां भारत दौरे पर दक्षिण अफ्रीका तीन मैच की वनडे सीरीज खेलेगी। वनडे सीरीज का कार्यक्रम, पहला वनडे मैच 12 मार्च 2020 धर्मशाला, दूसरा वनडे मैच 15 मार्च 2020 लखनऊ, तीसरा वनडे मैच 18 मार्च 2020 कोलकाता। चोट के कारण वनडे टीम से बाहर चल रहे रोहित शर्मा, शिखर धवन और हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी हो सकती है। वहीं लंबे समय बाद टीम में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों को भी मौका दिया जा सकता है। वनडे सीरीज के लिए भारत की संभावित टीम, रोहित शर्मा, शिखर धवन, लोकेश राहुल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, सुरेश रैना, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।